एक यूआरएल टाइप करके देखे ले, ये देखो अगर मैं इतना लिख के छोड़ देता हूं अपने ब्राउजर के अंदर, तो इससे मेरी वेब सर्विस पूरी आ जाएगी, सक्सेसफुली दिखा देगा क्या पाथ दिया, वही एचटीटीपी लोकल हो 70 आपकी पब्लिक फोल्डर का नाम और ये आपकी सर्विस का नाम, ठीक। ए एंटर, ये देखो साहब फर्स्ट क्लास बन के आ गई आपकी वेब सर्विस, दिखा रहा पूरा पाथ। अब ये जब ये वेब सर्विस आ जाती है तो ये वो पाथ होता है, ध्यान से सुनना, ये वाला पाथ क्वेश्चन मार्क WSDL, जैसी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये हम पाथ दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को दे देते हैं और दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी इसको अपने घर से भेजती है रिक्वेस्ट, जिससे उसे WSDL फाइल मिल जाती है और वो फिर उस WSDL फाइल इसी की रिक्वेस्ट करती है URL की। ध्यान से सुनते जाना जो मैं बताता जा रहा हूं, जैसे हम इसकी रिक्वेस्ट करेंगे, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास एक टूल होता है, जैसे जावा का भी मैं आपको टूल पढ़ाऊंगा अभी एक अच्छे से, ठीक। उसके अंदर उस टूल के थ्रू हम इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, जैसी वो टूल इसकी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, उस टूल के पास आती है WSDL फाइल और फिर वो टूल WSDL फाइल को रीड करके अपने आप उस टेक्नोलॉजी की स्टार्टमैन स्केलेटन क्लासेस बना देता है और जिन्हें यूज करके अब वो टेक्नोलॉजी बड़ी आसानी से इस वेब सर्विस को कॉल कर लेती है। फिलहाल ये मैं चाहूं तो WSDL यहां पे भी देख सकता हूं, जैसे मैं इसे यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैं जावा से इसे चलाना चाहता हूं तो जावा का भी हमें एक टूल दिया गया है वेब सर्विसेज को लुकअप करने के लिए। ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और उस टूल को मैं ये पाथ दे दूंगा, देखो मैं एंटर मारता हूं पूरी WSDL फाइल ब्राउजर में आ जाएगी, ये देखो पूरी की पूरी WSDL फाइल आ गई, वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या मेथड है क्या पैरामीटर है सब कुछ आ गया इसके, और यही क्लाइंट के पास जाने वाली है, ठीक। तो हमारा जावा का भी टूल है जो वेब सर्विसेज को लुकअप मारेगा, उसको मैं ये पाथ देने वाला हूं और वो हमें इसकी WSDL फाइल को रीड करके स्टब एंड स्केलेटन क्लासेस जनरेट करके दे देगा। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, जरा पाथ के पास चलते हैं, ये देखो ये है वो WS import tool, देखो web services import, नाम भी बता रहा है web services को ढूंढेगा जाके, hyphen keep इसका switch hyphen s। अब ये क्या करेगा, जो stub and skeleton की classes हैं आपका उसको source code भी देगा उसका byte code भी देगा, source code तो ये src में दे देगा और byte code उसी package में आपने जिस package में आपने अपनी web service बनाई थी उसी नाम का package बनाएगा। जरा देखना हमारी web service किसमें my package, तो मैंने SRC नाम का पैकेज बनाया सोर्स कोड के लिए। आप यहाँ हाथी नाम का फोल्डर बना लो तो ये इसका सारा जो स्टब स्केलेटन क्लासेस तैयार करेगा वो सारी की सारी उसका सोर्स कोड इसमें डाल देगा। अब आप ध्यान से देखो मैंने बना रखा है SRC फोल्डर, ये मैंने इसे डिलीट कर दिया गया, इसके अंदर माई पैकेज में सारा सोर्स कोड आ जाएगा। आप फोल्डर का नाम कुछ भी दे दो वही WS import में यूज करना, रहता नहीं मानना कि SRC नाम का बनाना है, मैं तो SRC इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सोर्स कोड का शॉर्टकट ये होता है। फिर सारी डॉट क्लास फाइल का माई पैकेज यहां जाएगा, ये सारी स्टब स्केलेटन क्लासेस तैयार करेगा, एंटर मारते हैं, ये लो सर, ठीक है। अब मैं ये टूल चलाऊंगा SRC के अंदर तो सोर्स कोड चला जाएगा और माई पैकेज बाहर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे थे उसमें सारी डॉट क्लास फाइल आ जाएंगी। चलो जरा इस टूल को कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा पार्ट, बस इतना हिस्सा वेरी करेगा टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, याद रखना। PHP का अपना टूल होगा, Python का अपना टूल होगा, .NET का अपना टूल होगा, सबका अलग अलग टूल है, बस उसे ये हमें पूरा पाथ देना होता है अपनी WSDL फाइल का। WSDL फाइल वो टूल के पास आ जाती है और वो जनरेट कर देता है स्टब एंड स्केलेटन क्लासेस, जैसा कि हमारा टूल अभी जनरेट करने जा रहा है। नाउ सी, ये कर लिया हमने कॉपी, ये मारेंगे पेस्ट, ये देखो सर 1 2 3 गो, पार्सिंग WSDL आ गया, स्टूडेंट ने पार्स किया उसे रीड किया और जनरेट कर दी स्टब एंड स्केलेटन क्लासेस। नाउ चेक इट आउट, SRC के अंदर माई पैकेज, ये देखो अब इसने जो क्लास बनाई है हमारी वाली क्लास को लेके इसकी क्लास बनती है हेलो वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन सर्विस, इससे हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे हेलो वर्ल्ड सर्विस का और अपना मेथड कॉल